प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर से बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी। इसमें चेयर कार के लिए कुल 912 सीटें हैं। भारतीय रेलवे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए कोच उत्पादन कार्यक्रम में कम से कम 35 वंदे भारत रेक को मंजूरी दी गई है, जबकि अगले वित्त वर्ष के लिए 67 रेक्स को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। ऐसी पांचवी ट्रेन को 11 नवंबर 2022 को हरी झंडी दिखाई गई। ये मैसूर से चेन्नई के बीच चलती है। चौथी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली और अम्ब अंदौर के बीच चलती है। इसके अलावा दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा के लिए चलती है। तीसरी ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलाई गई है। अब नागपुर से बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। फिलहाल रेलवे इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा है, जिसे बढ़ाकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा करने की योजना है। ये ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसमें स्वचालित गेट है। सुरक्षा के लिहाज से इस ट्रेन में सीसीटीवी भी लगाई गई है। इस ट्रेन के लगेज रैक में एलईडी डिफ्यूज लाइट्स है, जो अक्सर विमानों में लगाई जाती हैं। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत से इन दोनों शहरों के बीच की यात्रा करने के लिए एसी चेयर कार के लिए किराया 1,240 रुपए रखा गया है। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2,240 रुपए है। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से सुबह 6:45 पर रवाना होगी और दोपहर 12:15 पर नागपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नागपुर से दोपहर 2:05 पर रवाना होकर शाम 7:35 पर बिलासपुर पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों ने इसके मेंटेनेंस की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए अलग से यार्ड बनाया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से बिलासपुर आने जाने वालों को बेहद फायदा होगा।